अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज के उसमें हम बात करने वाले हैं। पब्लिक स्कूल हैदराबाद ने अपने एडमिशन 2023-24 अनाउंस कर दिए हैं। इस स्कॉलरशिप को सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड आल्सो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड SEFE स्कूल्स ये इनको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड सेफ स्कूल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, और भी मज़ीद मालूमात आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तान कोई भी स्कॉलरशिप आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन आती है या कोई भी जॉब आती है तो उसके रिगार्डिंग इस चैनल पर अपडेट दी जाती है। और मैंने NGV की जो अभी स्कॉलरशिप चल रही है तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दी है और इस स्कॉलरशिप के पास पेपर के रिगार्डिंग में वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी देख लीजिएगा इसके पास पेपर की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, इसमें स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है जो सिंध से बिलोंग करता हो, सिंध प्रोविंस से, और अभी क्लास 5 में वो पढ़ता हो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या सेफ स्कूल में, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल में वो पढ़ता हो तो वो एलिजिबल है। और उनकी जो टोटल सीट्स है वो 110 मेरिट सीट्स है। उनकी जो एडमिशन होगी प्योरी मेरिट बेस पे इनकी एडमिशन होगी और ये जो 110 सीट्स हैं उसमें गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, बॉयज भी, दोनों को मिला के 110 सीट्स हैं। और ये स्कॉलरशिप इनको 6 क्लास से लेकर 12 तक, मतलब कि कॉलेज तक, हायर सेकेंडरी स्कूल तक ये इनको स्कॉलरशिप देंगे। और इसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं जिसके स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें पहले है सांगढ़ है, शहीद बेनज़ीर आबाद है, हैदराबाद है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो अलहर है, मटियारी है, जामशोर है, पदीन है, सजावल है, ठठा एंड थरपारकर। तो ये डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो एनरोल्ड होगा वो ऑफकोर्स पब्लिक स्कूल हैदराबाद में होगा और इनके जो डेट ऑफ एंट्री टेस्ट है, इनकी जो टेस्ट होगी वो है 21 मई 2023, यानी कि 21 को 21 मई को इनकी टेस्ट होगी, एंट्री टेस्ट वो होगी पब्लिक स्कूल हैदराबाद में होगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि स्टूडेंट की जो एंट्री टेस्ट होगी वो कंडक्ट करेगी पब्लिक स्कूल करेगी, उनका जो वेन्यू होगा, जो उनका सेंटर होगा वो पब्लिक स्कूल हैदराबाद होगा, और वो एंट्री टेस्ट के क्वालिफिकेशन के बाद इनकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी। बस पहले होगा क्या होगा, पहले एंट्री टेस्ट होगी, अगर जो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट में जो पास होगा, जो सेलेक्ट होगा, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद इनकी एडमिशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सैलेंज फीचर के बारे में, मतलब वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इनकी जो ये स्कॉलरशिप है वो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, हायर एजुकेशन तक, कॉलेज तक आपको ये देंगे, तालीम देंगे 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक। उसके बाद आपके जो भी खर्चा आता है यूनिफॉर्म का, पढ़ाई का, एंड जो भी आपके लर्निंग मटेरियल्स हैं एंड जो भी बोर्डिंग्स हैं, आपके खाना पीने का, रहाइश का, वो सारा खर्चा ये खुद मैनेज करेगी, नहीं आपको मंथली स्टाइपेंड भी ये देगी। एंड जो सिलेक्शन होगी वो प्योरली मेरिट बेस पे होगी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली 5th क्लास में पढ़ता हो, और वो स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो या सेफ स्कूल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल में वो पढ़ता हो, तब वो एलिजिबल है। और स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो 3 साल लगातार वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, ऐसा नहीं वो अभी 5th क्लास में या 4th क्लास में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर और फिर 5th क्लास में उनने एडमिशन ले ली किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसका जो प्रीवियस 3 साल का जो एकेडमिक ईयर होना चाहिए वो गवर्नमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो अप्लीकेंट का जो फादर का जो डोमिसाइल होना चाहिए, मेंशन जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी जो बताया आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, तो उनसे बिलोंग करता हो, ठीक है जी, तब वो स्टूडेंट एलिजिबल है। और उनकी जो स्टूडेंट की जो एज होनी चाहिए वो 12 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 28 अप्रैल तक, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, जब आप फॉर्म फिल करें तो उसके ऊपर आपको 2 पासपोर्ट साइज़ के रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए विथ ब्लू या वाइट बैकग्राउंड,
ये जो फॉर्म के ऊपर आपको अटैच करने हैं, तो उसके साथ आपका जो फोटो कापी या जर्नल रजिस्टर जीआर पेज होता है जो आपको अटैच कर देता है, आपका जो हेडमास्टर होता है वो अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है, एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ करना है आपको, ठीक है जी। उसके साथ अगर बात करें, आपका बेफाम होना लाजमी है एंड आपके फादर का डोमिसाइल एंड एनआरसी होना लाजमी है। अगर आपके पास अभी ये अवेलेबल नहीं है तो आप अभी जाएं नादरा में, वहाँ अपना बेफाम बनाएं एंड जो उनकी रेसिपीट होगी, ठीक है, वो जिनका टोकन होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है आपको ओरिजिनल कॉपी आपको पैड स्लिप की वो भी अटैच करनी है। वो कितने होंगे, वो 800 रुपीज़ होगा, 800 रुपीज़ होगा जो आपको किसी भी सिंध बैंक में डिपॉजिट कराना है, वो उनका ओरिजिनल होगा जो वो आपको अटैच करना है एज ए डॉक्यूमेंट टूर। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका इनका जो चालान होता है 800 रुपये का, 800 रुपीज़ का, वो आपको डिपॉजिट कराना है किसी सिंध बैंक में। और दूसरा है कि आपको उनकी वेबसाइट पे जाके इनका फॉर्म फिल करना है, वो है www.safe.org.uk पे आपको इनका फॉर्म मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन, उसके बाद जो होगा डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे आपको अटैच करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे अटैच करने हैं। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया या फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं किया तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहले इनिशियल पॉइंट ये भी है कि आपका फॉर्म फिल सही होना चाहिए, अगर उसमें आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आए आपको पेमेंट का तरीका ये है कि 800 रुपये आपको डिपॉजिट कराना है सिंध बैंक में, वो आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस दिया गया है, सिंध बैंक कासमाबाद ब्रांच हैदराबाद में आपको डिपॉजिट करानी है एंड इनका अकाउंट नंबर भी दिया गया है, इस पर आपको 800 रुपये जमा करा देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना, अपना जो एडमिशन फॉर्म होगा विथ फोटो कापी ऑफ पैड डिस्पर्स रेसिपिट जो आपने अभी पैड किया होगा 800 रुपीज़ उसकी फ़ोटो कापी एंड जो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको क्या करना है, सबमिट कराने कहाँ पे, प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद, वहाँ पे आपको सबमिट कराने हैं। तो ये तो हो गया उनका एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग, इसके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग होंगे। अब हम बात करते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो एंट्री टेस्ट होगी वो आपके कम्प्लीट होगा MCQs बेस पे होगी एंड वो जो MCQs आएंगे वो सिंध टेक्स्ट बुक्स से आएंगे जो आप अभी पढ़ के आए हों, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास जो भी आप पढ़ के आए उनमें से ही आएगा। तो उसमें जो 40% आपका इंग्लिश आएगा, 40% आपके मैथमेटिक आएगी, रियाजी आएगी एंड 20% आपके जनरल साइंस आएगी, मतलब 100% आएगी, 100 MCQs आएंगे, उसमें 40% इंग्लिश के आएंगे, 40% मैथ के आएंगे एंड 20% आपके जनरल साइंस के MCQs आएंगे। इस टेस्ट सारी MCQs की बेसिस पे होगी। उसके बाद है आपको एक रोल नंबर स्लिप दिया जाएगा जो आपको पब्लिक स्कूल हैदराबाद देगी, वो 1 वीक बिफोर टेस्ट देगी या जब टेस्ट होगी ऑन द डे आपको वो एक रोल नंबर स्लिप आपको प्रोवाइड करेगी एंड जो टेस्ट होगी वो ऑफकोर्स आपका पब्लिक स्कूल हैदराबाद में होगा एंड वो ही कंडक्ट करेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स में ये लिखा हुआ है कि आपका जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होगा वो भी रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और उसके साथ जो स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी एंड उसकी सीट्स के तहत होगी, जो आपकी एंट्री टेस्ट की रिजल्ट होगी एंड जो सीट्स होंगी उसके तहत आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अगर आपने ऐसी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की या आपने ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसी कोई टेस्ट में ऐसी कोई चीटिंग करने की कोशिश की तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद है जो आपका जो चालान था वो आपको सही संभाल के रखनी है, वो फ्यूचर में आपका काम आएगा तो उसको आपको लाजमी से आपको ख्याल से रखना है, पास जो स्लिप चालान आएगा उसको। और उनकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 अप्रैल 2023 है, 28 अप्रैल इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की। आपको जल्द से जल्द कोशिश करनी कि 28 अप्रैल तक आपको उनका फॉर्म सबमिट कराना है, ऐसा नहीं है 29 अप्रैल को आप अपना फॉर्म देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि 28 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म सबमिट करा दें। और तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया इसके फॉर्म के रिकॉर्ड A to Z, फिर इसका फॉर्म रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और इसका पास पेपर आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो 9 AM से 3 PM तक ये एक्टिव रहेंगे मंडे टू संडे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है उनसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया है, फिर भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी मजीद वीडियो आने वाले हैं आपके इस पब्लिक स्कूल हैदराबाद के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।